आगे बढ़ते हैं ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी की संभागीय बैठक इस वक्त जारी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह भी बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन और 2018 में 7 सीट ही जीत पाई थी बीजेपी। ग्वालियर चंबल अंचल की 7 सीट ही जीत पाई थी और कांग्रेस को 26 सीटें मिली थी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद भी जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है 2018 के बाद की परिस्थितियों को वापस से ठीक करने के लिए? ग्वालियर चंबल संभाग, जिससे बड़े नेता आते हैं, वहां की सियासत को साधने के लिए बड़ी बैठक। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम 2018 के परिणामों की समीक्षा करें तो ग्वालियर चंबल में 34 सीटों में से कांग्रेस को 26 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी केवल 6 सीटों तक सिमट कर रह गई थी। इसी की पूर्ति करने के लिए आज ग्वालियर चंबल अंचल में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र सिंह यादव, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। बैठक चूंकि 5:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन इन नेताओं के ग्वालियर पहुंचने में देरी हुई, इसलिए ये बैठक अभी ठीक 10 मिनट पहले शुरू हुई है। अभी अभी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें शामिल हो गए हैं और जिस तरह की तैयारी की भाजपा लगातार बात कर रही थी, उसी तरह से नेता इस समय अपने पोलिंग बूथ लेवल के संभागीय कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे कि चुनाव आखिर कैसे जीता जाए, क्योंकि इस बार बीजेपी की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें इस अंचल से जीती जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया विनोद इस पर जानकारी देने के लिए। तो ग्वालियर चंबल अंचल की जो सीटें हैं उनको लेकर के लगातार मंथन किया जा रहा है।